वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 16 निशानेबाज आदू, जिसके अंदर हमने चैप्टर का पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर का पाठबोध। पाठबोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख, जिसके अंदर कुछ वर्ड है जिसको हमें सिर्फ पढ़ना है। क्रिकेट, व्यवहार, कक्षाध्यापिका, पुरस्कार, प्रधानाचार्य, अंतरविद्यालयीय, दर्शक दीर्घा और प्रतियोगिता। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर 1, 2, 3, 4 चार प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम सारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, आदित्य को सब क्या कहकर बुलाते थे। प्रश्न ख है, मधु कौन थी। प्रश्न ग है, आदू ने मधु को क्यों डराया। और प्रश्न च है, आदू को किस टीम का कप्तान बना दिया गया। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क, आदू को सब क्या कहकर बुलाते थे। तो उसका उत्तर आएगा, आदित्य को सब आदू कहकर बुलाते थे। हमारा प्रश्न ख था, मधु कौन थी। तो कौन थी मधु, उसकी क्लासमेट थी। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मधु आदू की सहपाठिनी थी। हमारा प्रश्न ग था, आदू ने मधु को क्यों डराया। तो उसका उत्तर आएगा, आदू ने मधु को इसलिए डराया क्योंकि मधु ने उसे एक दिन के लिए हिंदी की पुस्तक नहीं दी थी। हमारा प्रश्न घ था, आदू को किस टीम का कप्तान बना दिया गया। तो उसको निशानेबाजी का। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, आदू को निशानेबाजी की टीम का कप्तान बना दिया गया। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न पढ़ते हैं, फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, विद्यालय जाते समय आदू क्या क्या करता था। प्रश्न ख है, आम के बाग का माली क्यों भयभीत हो गया। प्रश्न ग है, आदू के माता पिता शर्मिंदा क्यों होते थे। प्रश्न घ है, आदू के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आए। प्रश्न ड है, माता पिता ने आदू का उत्साह कैसे बढ़ाया। और प्रश्न च है, आदू को किस खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, विद्यालय जाते समय आदू क्या क्या करता था। तो उत्तर आएगा, विद्यालय जाते समय आदू रास्ते में बहुत शरारतें करता था। गुलेल से निशाना लगाकर पेड़ों से आम तोड़ना, पशु पक्षियों को परेशान करना, अपनी कक्षा के सहपाठियों को तंग करना आदि करता था। हमारा प्रश्न ख था, आम के बाग का मालिक क्यों भयभीत हो गया। तो क्यों भयभीत हो गया था, क्योंकि गुलेर की गोली उसके गले के पास से निकली थी। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, एक बार बाग में आमों को तोड़ने की कोशिश में आदू की गुलेल की गोली पेड़ के नीचे बैठे बाग के माली के पास से निकल गई, इससे वह भयभीत हो गया। हमारा प्रश्न ग था, आदू के माता पिता शर्मिंदा क्यों होते थे। तो क्यों होते थे, क्योंकि आदू की बार बार नई नई शिकायतें सुनकर। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, आदू के माता पिता इसलिए शर्मिंदा होते थे क्योंकि उन्हें प्रतिदिन आदू की नई नई शिकायतें सुनने को मिलती थी।
हमारा प्रश्न घ था, आदू के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आए। तो क्या क्या बदलाव आए थे कि अभी उसकी शैतानियां कम हो गई थी, वो पढ़ाई में ध्यान भी देने लगा था और वो अभी अपनी निशानेबाजी के काम में अच्छे से अभ्यास करने लगा था। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, आदू की शैतानियां कम हो गई थी, वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा था, वह अच्छा निशानेबाज बन गया था, वह सच्ची लगन व परिश्रम से निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। हमारा प्रश्न ड था, माता पिता ने आदू का उत्साह कैसे बढ़ाया। तो कैसे बढ़ाया था उन्होंने, तालियां बजाकर। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, माता पिता ने आदू का उत्साह तालियां बजाकर बढ़ाया। हमारा प्रश्न चौथा, आदू को किस खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। तो किस खेल प्रतियोगिता में मिला था, आंतर विद्यालय निशानेबाजी कंपटीशन में। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, आदू को अंतर विद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। अब हम देखेंगे प्रश्न तीन, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। प्रश्न क है, आदू कैसा बालक था। तो कैसा बालक था, सीधा, भयभीत, शरारती और आलसी। तो कैसा बालक था वो, शरारती। प्रश्न ख है, आदू को क्या करने में बहुत आनंद मिलता था। किताबें पढ़ने में, निशाना लगाने में, कुश्ती लड़ने में या फिल्म देखने में। तो क्या आएगा उत्तर, निशाना लगाने में। प्रश्न ग था, प्रश्न ग है, आदू अब सचमुच क्या बन गया था। ना समझ, समझदार, बेवकूफ और शरारती। क्या बन गया था अभी वो, समझदार बन गया था। प्रश्न घ, इस कहानी से आपने क्या सीखा। पढ़ाई और खेल दोनों को महत्व देना, पढ़ाई को महत्व न देना, खूब शरारते करना, दूसरों को परेशान करना। तो क्या सीखा आपने, पढ़ाई और खेल दोनों को महत्व देना। अब देखेंगे प्रश्न चार, किसने किससे कहा। पहला वाक्य है, अरे दोस्त डरो मत। ये कौन कहता है, आदू। और किससे कहता है, अयान से। जब माली को गले, माली के गले से गोली पास होती है तब अयान डर जाता है, तब आदू उससे ये बात कहता है। दूसरा वाक्य है, गोली माली को लग जाती तो। तो यह वाक्य कौन कहता है, अयान कहता है। और किससे कहता है, आदू से कहता है। तीसरा वाक्य है, आदू अच्छा निशानेबाज है। यह वाक्य कौन कहता है, प्रधान आचार्य। और किससे कहते हैं, आदू के माता पिता से। चौथा वाक्य है, कुछ ही दिनों में आप आदू में बदलाव देखेंगे। तो यह वाक्य कौन कहता है, कक्षा अध्यापिका। और किससे कहते हैं, आदू के पिता से। अब हम देखेंगे भाषा की बात, पाठ में आदू की विशेषता बताने के लिए किन किन शब्दों यानी विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, पाठ में से ढूंढकर लिखो। यानी आदू के लिए उपयोग में आने वाले विशेषण शब्द ढूंढने हैं। तो उसके अंदर आएगा होशियार, विजयी, समझदार और जिम्मेदार। अब देखेंगे प्रश्न दो, समानार्थी शब्द लिखो। बाग, उसका समानार्थी शब्द बनेगा उपवन और बगीचा। होशियार, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे चतुर और अकलमंद। पक्षी, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे खग और पंछी। आम, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे आम्र और रसाल। अब देखेंगे प्रश्न नंबर तीन,
सही शब्द से मिलान करो, गुलेल, तो उसका इंग्लिश शब्द है स्लिंग। शिकायते, तो उसका इंग्लिश शब्द है कंप्लेंस। कप्तान, उसका इंग्लिश शब्द है कैप्टन। विजयी, उसका इंग्लिश शब्द है विनर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हिंदी पुस्तक के सारे चैप्टर आज यहाँ हमारे खत्म होते हैं। तो सारे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ओके, बाय स्टूडेंट।